हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। यू आर मोस्ट वेलकम इन दी मॉडल केम सीनियर स्कैंड ऑनलाइन क्लासेस। आज हम करने जा रहे हैं 13.1 के लेक्चर नंबर 3 के अंदर क्वेश्चन नंबर 7। सपोज 2 केजी ऑफ शुगर कंटेन 9 × 10^6 क्रिस्टल्स। कह रहा है मान लो कि 2 किलोग्राम शुगर के अंदर आपके 9 × 10^6 के क्रिस्टल हैं। हाउ मैनी शुगर क्रिस्टल आर देयर इन फर्स्ट पार्ट। कह रहा है 5 kg ऑफ शुगर, तो 5 किलो शुगर में कितने क्रिस्टल होंगे। और सेकंड पार्ट कह रहा है 1.2 किलोग्राम ऑफ शुगर में कितने क्रिस्टल होंगे। तो पहले आप क्या लिखोगे, शुगर इन केजी और यहां पे आ जाएंगे क्रिस्टल्स। अब 2 केजी में है 9 × 10^6, 5 केजी में मुझे फाइंड करना है, 1.2 केजी मुझे फाइंड करना है। इसको मैंने एक्स लेट कर लिया, इसको मैंने वाई लेट कर लिया। लेट नंबर ऑफ क्रिस्टल्स इन 5 केजी एंड 1.2 केजी ऑफ शुगर इक्वल एक्स एंड वाई। देखो जब 2 किलोग्राम में इतने क्रिस्टल हैं तो 5 किलोग्राम में ज़्यादा होंगे, यानी कि ये आपका क्या हो जाएगा, दीज आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन सो 2 × 9 × 10^6 इक्वल में आपका हो जाएगा 5/x। मुझे तो x फाइंड करना, पहले कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई। 2x = 9, 5 = 45 × 10^6, एक्स हो जाएगा 45 × 10^6 बाय में 2। 2 से डिवाइड करेंगे आपको आ जाएगा 22.5 × 10^6 आ गया। अगर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे, 2 के बाद मुझे पॉइंट चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, इसको मैंने कर दिया बाय में 10 कर दिया और मल्टीप्लाई में भी 10 कर दिया। जब बाय में 10 करूँगा ये वाला पॉइंट हट के यहाँ पहुँच गया, तो ये होगा 2.25 × 10^6 ये और ये 1 ये हो गया 10^7 क्रिस्टल्स। अब इसका है नेक्स्ट आगे, सो 2/9 × 10^6 इक्वल में 1.2/y। कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, 2y इक्वल में 9 × 2 = 8, 12 × 9 = 100 होता है, ये आ जाएगा 10.8 × 10^6। तो y आपका आएगा 10.8 × 10^6 / 2। 2 से कैंसिल करेंगे, 2 × 5 = 10, 2 × 4 = 8, ये आपका आ जाएगा 5.4 × 10^6 क्रिस्टल्स। ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, रश्मि हैज ए रोड मैप विद ए स्केल ऑफ 1 cm रिप्रेजेंटिंग 18 km। रश्मि के पास एक रोड का मैप है जिस पे वो जो स्केल इस्तेमाल कर रही है वो एक सेंटीमीटर को रिप्रेजेंट कर रही है 18 किलोमीटर। यानी कि मैप पे तो आपका उसका 1 cm और रोड पे आपका कितना, 18 किलोमीटर। शी ड्राइव्स ऑन ए रोड फॉर 72 किलोमीटर। वो ड्राइव मतलब चलाती है, क्या रोड पे चलाती है, 72 किलोमीटर। व्हाट वुड बी हर डिस्टेंस कवर्ड इन मैप। तो रोड पे तो उसकी डिस्टेंस होगी 72 किलोमीटर, तो मुझे मैप पे बताने की उसने मैप पे कितनी डिस्टेंस कवर करी है। पहले लिख लो डिस्टेंस ऑन मैप, डिस्टेंस इन मैप कर लो और डिस्टेंस ऑन रोड। मैप पे तो है इन सेंटीमीटर और इन किलोमीटर। सेंटीमीटर में यानी 1 cm जो है वो 18 किलोमीटर है इधर, और 72 किलोमीटर अगर है तो मैप पे कितनी होगी, इसको हमने लेट कर लिया एक्स। लेट डिस्टेंस इन मैप फॉर 72 किलोमीटर ऑन रोड इक्वल में एक्स सेंटीमीटर। जब एक पे 18 है मतलब 72 है तो ये एक है, तो जब एक पे 18 है तो ये 72 तो ज़्यादा पे होगी ना इनकी, इस पे डिस्टेंस मैप पे। तो दीज आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन,
आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन सो 1/18 इक्वल में x अपॉन 72 क्रॉस मल्टीप्लाई करो ये हो जाएगा 18x इक्वल 72 एक्स आ जाएगा 72/18 यानी कट के आ गया 4 सेंटीमीटर। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 8 आपका स्टूडेंट्स। हाँ जी स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9 ए 5 मीटर 60 सेंटीमीटर हाई वर्टिकल पोल कास्ट ए शेडो 3 मीटर 20 सेंटीमीटर हाई। कह रहे हैं हमें कि एक आपका वर्टिकल पोल है खंभा यानी कि सीधा वो कितना है 5 मीटर 60 सेंटीमीटर ऊंचा है और उसकी शेडो जो उसकी परछाई बन रही है वो बन रही है 3 मीटर 20 सेंटीमीटर हाई। फाइंड एट द सेम टाइम आपने सेम टाइम पे क्या फाइंड करना है द लेंथ ऑफ द शेडो कास्ट बाय अनदर पोल 10 मीटर 50 सेंटीमीटर हाई। आपने क्या करनी है आपने शेडो की लेंथ निकालनी है जो दूसरा खंभा है वो आपका कितना ऊंचा है 10 मीटर 50 सेंटीमीटर। सेकंड पार्ट ये है हाइट ऑफ ए पोल विच कास्ट ए शेडो 5 मीटर लॉन्ग और मुझे खंभे की ऊंचाई निकालनी है अगर शेडो आपकी 5 मीटर लंबी है। पहले क्या लिखोगे हाइट ऑफ पोल और लेंथ इन लेंथ ऑफ शेडो। हाइट हम एक काम करेंगे सब सारे के सारे बना लेंगे सेंटीमीटर में 5 मीटर 60 सेंटीमीटर मुझे पता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं तो 5 मीटर में 500 हो गए और 60 सेंटीमीटर ये इनके ये बन जाएंगे 560 सेंटीमीटर और ये कितने हो जाएंगे 320 सेंटीमीटर। और मुझे क्या निकालना लेंथ ऑफ शेडो निकालनी है अगर ये है आपके पास 1050 सेंटीमीटर फिर मुझे पोल की हाइट निकालनी है अगर ये है आपके पास 5 मीटर यानी कि 500 सेंटीमीटर। तो पहले लेट कर लेंगे लेट पहले लेंथ ऑफ शेडो शेडो फॉर इसको लिख लो चाहे आप 10 मीटर 50 सेंटीमीटर हाई पोल इक्वल में एक्स सेंटीमीटर कर लिया पहले मैंने और दूसरा क्या निकालना है मेरे को हाइट ऑफ पोल पोल फॉर 5 मीटर 5 मीटर शेडो ये मैंने मान लिया वाई सेंटीमीटर। अब जो सीधी सी बात है दीज आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन सो 560/320 इक्वल में 1050/x 0 से 0 कैंसल 8 4 जा 32 8 7 जा 56 मुझे x फाइंड करना है पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो 7x आ गया 400 4 5 जा 20 कैरी 2 400 0 2 और 4 1 जा 4 एक्स आपका आ जाएगा 4200/7 ये आ गया 600 सेंटीमीटर और यानी कि 6 मीटर। नेक्स्ट सो 560/320 इक्वल में y/500 वही 7 4 4y इक्वल हो जाएगा 3500 y आ जाएगा 3500/4 4 1 जा 4 4 8 जा 32 कैरी 32 यहाँ से बच जाएंगे 3 4 7 जा 28 4 5 जा ये आगे सेंटीमीटर और इसको जब लिखेंगे तो 8 मीटर 75 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 ए लोडेड ट्रक ट्रैवल 14 किलोमीटर इन 25 मिनट। कह रहे लोड मतलब सामान उस पर लोड करा हुआ है ट्रक के ऊपर जो 14 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है 25 मिनट्स के अंदर
इफ़ द स्पीड रिमेन द सेम, उसकी स्पीड सेम ही रहती है, ना कम होती है ना ही ज़्यादा होती है, हाउ फॉर इट कैन ट्रेवल इन 5 आवर, वो 5 घंटों में कितने डिस्टेंस कवर करेगा। यानी कि पहले तो लिखेंगे डिस्टेंस इन किलोमीटर, टाइम इन आवर्स, डिस्टेंस है 14 किलोमीटर, टाइम लग रहा है सॉरी मिनट में है, यहाँ लिख लो इन मिनट्स 25 मिनट, और कितने डिस्टेंस कवर करेगा 5 आवर, 5 आवर यानी कितने हो जाएंगे 300 मिनट, क्योंकि एक घंटे में 60 मिनट होते हैं तो 5 घंटों में हो जाएंगे 60 मल्टीप्लाई 5 करेंगे 300 आ जाएंगे। ये किलोमीटर मुझे फाइंड करना है, इसको मैंने एक्सलेट कर लिया, लेट डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 5 आवर्स इक्वल में एक्स किलोमीटर। दी सीधी सी बात है, जब 25 मिनट में 14 किलोमीटर करता है उसका स्पीड का कोई रोल नहीं है, जो 25 मिनट में 14 किलोमीटर जाता है तो यानी कि 300 मिनट में तो ज़्यादा जाएगा वो, 30,000 इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। डायरेक्ट प्रोपोर्शंस, सो 14/25x/300, तो ये हो जाएगा 25x इक्वल में 0 0, 3 × 12, 3 × 3 और 4, 4200, एक्स इक्वल आ जाएगा बस 42/25। पहले 5 पे कट कर लेते हैं, 5 5 या 25, 5 8 जा 40, 5 4 जा और 0 ये 5 फिर कट करेंगे, 5 1 जा 5 बच गए 3 34, 5 6 जा और 5 8 जा 168 किलोमीटर, ये आपका हो जाएगा आंसर। स्टूडेंट्स ये हमारी हो गई है 30.1 कंप्लीट। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो मेरा मोबाइल नंबर है 9728885895 पे अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। थैंक्स टू ऑल।